हेलो फ्रेंड्स। तो यार आज से हम गोलेंग की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार मैं आपको बता देता हूँ कि जो गोलेंग होती है वो काफ़ी मॉडर्न लैंग्वेज है और अभी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो सीरीज़ होगी ये काफ़ी इन डेप्थ गोलेंग में जाएंगे हम। इसके अलावा हम देखेंगे कि हम कैसे REST APIs क्रिएट करते हैं गोलेंग के अंदर, और अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यार। सी के बाद में जो सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है वो गोलेंग ही है, जिसका रन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम सब कुछ सीखने वाले हैं यार कि इसका रन टाइम कम क्यों है इन कंपैरिजन टू जावा एंड पाइथन और जो भी अदर लैंग्वेजेस हैं, और अभी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसको क्यों यूज़ किया जा रहा है। सो बेसिकली जो बैकएंड डेवलपमेंट है उसके लिए गोलेंग का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है यार अभी इंडस्ट्री के अंदर। तो बैकएंड डेवलपमेंट में जो भी REST APIs है और जो भी बैकएंड का जो आर्किटेक्चर होता है कंप्लीट बैकएंड गोलेंग के अंदर लिखा जाता है यार। सो मैं अपने बारे में बता देता हूँ यार, फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं गोलेंग के अंदर कोड लिख रहा हूँ। और मैंने जब स्टार्ट किया था गोलेंग के अंदर कोड लिखना, तब मैंने यूट्यूब पे चेक किया कि देर आर नो गुड इन डेप्थ सीरीज़, सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज़। सो इस सीरीज़ के अंदर यार पूरी सीरीज हिंदी के अंदर होने वाली है, और इसके अंदर हम गोलेंग के अंदर काफ़ी डेप्थ में जाएंगे। हम सीखेंगे कि हाउ टू राइट कोड, हाउ टू डीबग कोड, हाउ टू क्रिएट REST APIs, ये सब करने वाले हैं यार। तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ गोलेंग के बारे में। तो जो गोलेंग है उसके अंदर इस सीरीज़ के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, इस सीरीज़ के अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं यार, और पूरा REST APIs तक जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर का कोड कैसे लिखा जाता है, जैसे उनको कैसे हैंडल किया जाता है, वो सब कुछ करने वाले हैं यार। पूरा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो गोलेंग में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो ऐप के लिए एज ए गोलेंग डेवलपर वर्क कर रहा हूँ। सो मेरी जो प्रोफाइल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है, बट जो मेरा मोस्टली वर्क होता है वो गोलेंग के अंदर ही होता है। तो हम देखने वाले हैं यार इंडस्ट्री में कैसे हम नए पैकेजेस को रीड करते हैं, क्योंकि यार वहाँ पे हमारे पास कोई नोट्स नहीं होते, तो हम मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन से ही वर्क करते हैं। तो आप इसको टाइप करो golang.org, और जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे आप देखोगे यार पैकेजेस करके फोल्डर है। तो हम देखने वाले हैं कि इनमें से इन पैकेजेस का हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। सो मैं बता देता हूँ यार कौन कौन सी कंपनीज गोलेंग को यूज़ कर रही है। सो टाइप करना है यार विच कंपनीज आर यूजिंग गोलेंग। तो तुम देखोगे यार गोलेंग गूगल के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा कंपनियां यूज़ कर रही है। गूगल यूज़ कर रही है, ऊबर यूज़ कर रही है, और इसके अलावा डेली मोशन, सेंग्रिड और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स है यार। तुमने जो भी शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक वगैरह का नाम सुना होगा उन सभी में गोलेंग का यूज़ होता है। तो हम देखने वाले हैं कि कैसे REST APIs लिखी जाती है, कैसे स्केलिंग की जाती है, कैसे कैशे ऐड किया जाता है, कैसे डेटा स्ट्रक्चर हम गोलेंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। बट बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा हमें, और इसके लिए मैं कोई टूल यू आपको अभी इंस्टॉल नहीं करवाने वाला यार। यार सभी का क्वेश्चन होता है कि हमने कोई टूल ही इंस्टॉल नहीं किया, कोई आईडी इंस्टॉल नहीं की। तो हम यार सारे टूल इंस्टॉल करने वाले हैं, VS कोड, पोस्टमैन, कीबाना, इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करेंगे जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं गोलेंग के लिए। और हम यार इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर इन डेप्थ जिन फ्रेमवर्क जो है गोलेंग का वो सीखने वाले हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है REST APIs का यूज़ करने में, REST APIs क्रिएट करने में। तो काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क यार, अभी काफ़ी सारी जो स्केलिंग एप्स है उसके लिए ये फ्रेमवर्क यूज़ होता है। और हम देखेंगे कि नॉर्मल HTTP से इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेट्स, अभी हम कोई टूल इंस्टॉल नहीं कर रहे, तो आपको टाइप करना है गोलेंग प्लेग्राउंड और एंटर करना है। फर्स्ट लिंक जो आएगा उसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ है उसको कंट्रोल ए और डिलीट कर देना है। अब यार हम स्टार्ट करने वाले हैं कोड लिखना। तो हमने कोई आईडी इंस्टॉल नहीं की है, आपको इस प्लेग्राउंड पे आना है, और यहीं पे हम बेसिक्स सीखने वाले हैं, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स। उसके बाद में हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे, अपने PC पे गोलेंग इंस्टॉल करेंगे,
और वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है, वो सब चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार सबसे पहले हमें लिखना है पैकेज मेन, हम हेलो वर्ल्ड का कोड लिखना है, तो सबसे पहली जो लाइन होगी वो होगी पैकेज मेन। इसके बाद तुम्हें लिखना है यार फंक्शन मेन, जिसमें फंक्शन के लिए फंक कीवर्ड यूज होता है, बट हम पूरा वो थ्योरी देखने वाले हैं कि हमने क्यों ये पैकेज मेन लिखा, क्यों फंक कीवर्ड यूज करा। उसके बाद में तुम्हें लिखना है यार एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन, जो भी तुम्हें प्रिंट करना होगा। हेलो, और मैं तुम्हें बता देता हूँ यार, इसमें काफ़ी मिस्टेक होगी कोड लिखते वक्त, क्योंकि यार इंडस्ट्री में जब वर्क करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स होती है, तो यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक्स होगी। और मेरे पास कोई फैंसी स्लाइड्स नहीं है, क्योंकि मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं कोडर हूँ, प्रोग्रामर हूँ। तो हम काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिकल इन डेप्थ जाने वाले हैं गोलेंग के अंदर। यूट्यूब पे कोई भी ऐसी सीरीज़ नहीं होगी जो इतना इन डेप्थ किसी भी लैंग्वेज के अंदर गई होगी। तो एफ एम टी डॉट प्रिंट एल एन लिखते हैं यार। इसके अलावा हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पैकेज एफ एम टी को। इसके बाद में अभी हम इसको सीखेंगे कि इसके अंदर मेन का मतलब क्या है, एफ एम टी का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले आपको रन पे क्लिक करना है और आप देखोगे हेलो वर्ल्ड। सो हमारा ये जो कोड है ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेक करेंगे यार कि ये पैकेज मेन क्यों लिखा हमने, और ये हेलो वर्ड हम क्यों लिख रहे हैं। इसका मेन रीज़न है यार, गोलेंग के जो भी बड़े कोड बेस होते हैं उन सभी में यही पैटर्न फॉलो होता है। पहले कुछ पैकेज होता है, फिर कुछ इम्पोर्ट होता है, फिर कुछ फंक्शंस होते हैं। मेन जो है गोलेंग सबसे पहले कॉल करता है। इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं यार। तो यार यहाँ पे तुम किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो इसको, योर नेम नाम प्रिंट करा सकते हो यार। पूरी काफ़ी अच्छी सर्विस दे रखी है गूगल ने फॉर बिगनर्स कि हम गोलेंग को कैसे समझ पाएं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार। सो इसको प्रैक्टिस करना, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने ये कोड क्यों लिखा, और हमें स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर होते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।